where'd your friends go? Little baby all alone, where'd your mans go? Why you messing with me, cause your man's slow? Yeah, sorry, made you cry. गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। आज जो है मैं बताने वाला हूँ आप सबको कि मैंने जो मेरा माइक्रोफोन सेटिंग था, मेरा सेटअप था, वो मैंने कैसे किया है, किस तरीके से किया है हेलमेट के अंदर। तो वो मैं आज सबको क्योंकि उसके रिगार्डिंग मेरे को मेरे फ्रेंड्स सर्कल में 6 लोगों ने पूछा है कि तूने ये सेटअप किया कैसे। तो इन उन लोग को भी हेल्प होगी, और जो आगे जाके कोई नया यूट्यूबर आ रहा होगा, कोई भी मतलब किसी को भी हेल्प लगेगी, तो वो ये वीडियो से उसको डिटेल्स मिल जाएगी। पर मेरा अवतार जो है वो अभी ख़राब है, क्योंकि मैं अभी वर्कआउट करके बाहर आया हूँ। मैं पहले नहा के आता हूँ, फिर अपना काम चालू करते हैं। क्या बोलते हैं, चलो। कॉफ़ी हो चुकी है रेडी, अभी इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने देते, और तब तक अपना जो मैं हेलमेट का सेटअप करने वाला हूँ मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। फर्स्ट ये मेरा हेलमेट SMK ट्विस्टर कैप्टन वर्जन, ये आपने मेरे राइड्स में देखा होगा। ये मेरा मेन हेलमेट है, और इसमें मैंने पूरा माइक का सेटअप किया है। ये एक मेरा GoPro, और ये मेरे माइक की लाइन जो है ऐसे नीचे करके पूरे ये कुशन के अंदर छुपा दिए। इसकी ज़्यादा बड़ी लाइन मतलब वायर नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं होगा। और जो मैंने माइक यूज़ किया है वो ये है जेनरिक माइक, जो अमेज़ॉन पे आपको 200 तक मिल जाएगा, 200 रुपीज़ में मिल जाएगा। अभी ये माइक का सेटअप जो है मैं अपने पुराने वाले जो मैं लोकल में पहनता हूँ वो हेलमेट में करने वाला हूँ। तो इसको रखते हैं बाजू और उसमें सेटअप करते हैं। इसका तो हो गया है, इसका वॉइस टेस्टिंग के वक्त सब मैंने परमानेंटली अंदर फिक्स किया है। ये जो माइक दिख रहा है ये SG का माइक है, इंटरकॉम का माइक है, ये माइक नहीं है। तो अभी स्विच करते हैं गाइस। ये है मेरा लोकल में पहनने वाला हेलमेट, स्टड निंजा 3G, जो फ्लिप अप होता है, मतलब फ्लिप करता है। एक मिनट दिखाता हूँ, ऐसा भी होता है, ये अच्छी बात है। अभी इसमें करना है अपने को वायरिंग की सेटिंग करनी है इसमें। तो मैंने सोचा है कि इसका भी सेम, क्योंकि ये थोड़ा हेलमेट बड़ा है तो ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा वायर है उसको छुपाना पड़ेगा, और फ्लिप अप में जब करता हूँ तो उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ थोड़ा लेंथ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो काम शुरू करते हैं गाइज। एक चीज़ अपने को मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये दो जो चीज़ें हैं इनको अच्छे से लेंथ गैप मिलनी चाहिए
क्योंकि मेरा हेलमेट, ये हेलमेट जो है वो फ्लिप अप है और मैं बार बार इसमें उसमें स्विच करने वाला हूँ नहीं, इसमें परमानेंटली ये रहेगा अंदर। तो अभी प्लान है कि मैं यहाँ पे गोप्रो लगाने वाला हूँ। पहले हम गोप्रो लगा लेते हैं अच्छे से, क्योंकि एंगल ऐसा रहेगा तो उस हिसाब से ही अपने को करना है। और ये गया माइक का, ये थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये भी हो गया। और माइक को लेंगे हम इस साइड से, या फिर इस साइड से लेते हैं, इस साइड से हम लेंगे माइक को। माइक की सेटिंग हम लोग ऐसे करेंगे गाइस। इसका जो वायरिंग है वो डन हो चुका है, मैंने यहाँ से पेपर टेप से उसको चिपकाया है, क्योंकि पेपर टेप अच्छे से होल्ड करेगी। पेपर टेप से मैंने यहाँ से इसके पीछे पूरा वायरिंग छुपा दिया है। ये वाले हिस्से में वायरिंग नहीं गया है, ये सिर्फ यही हिस्से में वायरिंग है। तो फ्लिप अप का कोई भी टेंशन नहीं है, देखो फ्लिप अप भी इजीली हो जाता है और लॉकअप भी हो जाता है। और गाइज मैंने माइक्रोफोन का सेटिंग इस तरीके से किया है, ये जो आप देख रहे हो, ये है हमारा माइक। माइक के साथ जो फोम कुशन आता है उसके साथ मैंने मेक श्योर किया है कि ये थोड़ा भी हिले ना, तो उसके लिए इतना सारा टेप मार के मैंने चिपकाया। और ये एग्जैक्टली मुंह के सामने है तो वॉइस भी प्रॉपर आएगा। ये देखो अंदर से ऐसा दिखता है। तो सेटअप हो चुका है, माइक्रोफोन वर्क करता है, ये आपको पता चल गया। पर अभी क्या इसको सेटअप कैसे करना था ये मैंने किसी को बताया नहीं, और पता नहीं था। तो अभी मैंने प्रॉपर बताया कि ये सेटअप कैसे होगा, और इस तरीके से करोगे तो आपको विंड नॉइज़ नहीं आएगा। गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अपन अभी बैक टू रूटीन आ चुके हैं। अभी हम लोग रेगुलर रहेंगे और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस लाते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अभी तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें करो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।